हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। इसके बिना पूरी नहीं आपकी तैयारी। टेस्ट सीरीज फॉर नीट एंड जी मेन्स 2024, क्रैश कोर्सेज फॉर क्लास 10th एंड 12th। फॉर डिटेल्स कॉल और कॉन्टैक्ट ऑफिस। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। सारी हाउस दरभंगा, अपनी शादी को और भी यादगार बनाइए हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन के साथ। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, गाउन, कुर्ती, मेंस और किड्स वेयर के आकर्षक कलेक्शन आपके बजट में। आज ही शॉपिंग करें लहरिया सराय दरभंगा। त्योहार और लगन संग संग छूट भी पाएं रंगारंग, अप टू 20% डिस्काउंट। फर्नीचर विलेज एंड इंटीरियर्स, रेडियो स्टेशन के सामने, जीएम रोड दरभंगा। सजाएं अपने सपनों का घर, फर्नीचर और फर्निशिंग आइटम एक ही जगह। स्कॉलरशिप्स फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, स्पेशल ऑफर फॉर गर्ल्स, मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल, ब्रिंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन दरभंगा, एकमी घाट, बल्लोपुर, दरभंगा। एडमिशन ओपन फॉर 2024-25। दरभंगा में चोरों का जबरदस्त आतंक, सीना जोरी ऐसी कि सरेसाम जेसीबी से खोदकर वीआईपी रोड जैसे व्यस्ततम सड़क पर बीएसएनएल का केबल चोरी करने की कोशिश, 3 गिरफ्तार। बेता ओपी की पुलिस ने अललपट्टी से बीएसएनएल का अंडरग्राउंड केबल चोरी करते 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बेला निवासी दीपक कुमार, सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर बैंकर्स कॉलोनी निवासी शंभुझा और केवटी थाना क्षेत्र के दानी सरवारा निवासी मोहम्मद शकील हैं। बेता ओपी अध्यक्ष प्रियंका कुमारी ने बताया कि बीएसएनएल के एक कर्मी गुरुवार की अल सुबह टहल रहे थे। इस दौरान उन्होंने अललपट्टी में जेसीबी से गड्ढा खोदकर बीएसएनएल का केबल निकालते हुए कुछ लोगों को देखा। उन्होंने केबल निकालने वाले से पूछा तो वह असमंजस में पड़ गया। आशंका होने पर उन्होंने वरीय पदाधिकारी को इस बात की सूचना दी। वरीय पदाधिकारी ने बेता ओपी की पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अललपट्टी पहुंचकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी करने में उपयोग की जाने वाली जेसीबी और क्रेन को भी जब्त कर लिया। इसके अलावा चोरी किए गए बीएसएनएल केबल को भी जब्त किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने कहा, जेसीबी दीपक कुमार नाम का आदमी चला रहा था, उसका मालिक शंभुझा है, वहीं क्रेन का मालिक और चालक मोहम्मद शकील था। इसके अलावा भी चोरी करने में शामिल कई चोरों को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।